बोलिए। मेरा नाम आकाश आचार्य है और आज गुरु जी के द्वारा होली मिलन समारोह हमारा आज रखा गया था, तो बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत ही खूबसूरती से कार्यक्रम जो है। आपने जो एक गणेश वंदना की थी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सुंदर तरीके से, आपको इस गाने को तैयार करने में कितना समय लगा? एक्चुअली ये गणेश वंदना जो है अग्निपथ मूवी का, देवा श्री गणेश, और इसमें कहीं ना कहीं राग बैरागी का मतलब पहचान है थोड़ा सा, तो बस धीरे धीरे करके ही वही आपका अराउंड कुछ समय से कर ही रहे गाना, तो अराउंड एक महीना डेढ़ महीना टाइम लगा। संगीत का तैयारी आप कब से कर रहे हैं? मेरे को मतलब हो गया है 3-4 साल अब हो गया है गुरुजी के पास करते हुए। और यहाँ पे आपको संगीत का क्लास करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुआ है वोकल्स। जो गुरुजी हैं वहाँ आप यहाँ पे जो भी संगीत के गुरुजी हैं कितना सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा, गुरुजी की तरफ से तो हमेशा से मतलब बहुत ज़्यादा रियाज है उसको लेकर के, सब चीज़ को। क्या लगता है कि आप यहाँ से बहुत बड़े स्टार बन पाएंगे? अब ये तो मतलब कोशिश के ऊपर है, हम लोग सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपना मतलब बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी है, अश्लीलता को तो दूर दूर तक सटने नहीं दिए हैं और लोगों को भी झुमा दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को आज शुद्ध गाना गा कर भी झुमाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल झुमाया जा सकता है गाना का। एक्चुअली हम लोग जैसे बोलते हैं वाइब के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, कि जैसे आपका कोई गाना है फास्ट नंबर हो स्लो नंबर हो, अगर कोई गाना में मतलब वो एक वाइब बन सकता है तो अश्लीलता का कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदर शब्दों से भी गानों को बनाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं और हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल उस चीज़ को प्रमोट करना है गलत ही, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है कि अश्लीलता तो मार्केट में लोग सुन तो लेते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक वो गाना नहीं चल पाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। बोलिए।